हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रांच ईसी से थर्ड सेमेस्टर के लिए यूनिट वन है। हमारे यूनिट वन का नाम है मेजरमेंट एंड एरर और इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, इससे पहले हमने देखा था, पहले की वीडियो में हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना था क्या होता है। इसके बाद मेजरमेंट भी हमने पढ़ा था उसमें। इसके बाद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले जानते हैं। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आप इतना नोट्स बना सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी रिलेटेबल फॉर स्टैटिक एंड स्टेबल कंडीशन। तो ये बहुत ही स्टेबल होते हैं। दे आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड रैपिडली टू मेजरमेंट ऑफ डायनामिक एंड ट्रांजिस्ट कंडीशन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस इंस्ट्रूमेंट हैव मूविंग पार्ट्स दैट आर रिजिड हैवी बली एंड कंसिक्वेंटली हैव आ लार्ज मास। तो ये आप देख सकते हैं, हैवी काम भी ये कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और आप नोट्स में लिख सकते हैं इतना। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको क्या लिखना है, तो आप इतना इसमें लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मेथड्स ऑफ इंडिकेटिंग द आउटपुट ऑफ डिटेक्टर्स आर मोर रैपिड देन मैकेनिकल मेथड्स। इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा कामगार सिद्ध होते हैं, यानी ये ज़्यादा इसमें हमें सहायता मिलती है मेजरमेंट करने में। इसके बाद अन इलेक्ट्रिकल सिस्टम नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन अ मैकेनिकल मीटर मूवमेंट एस इंडिकेटिंग डिवाइस। तो इससे भी हम मेज़रमेंट कर सकते हैं और मैकेनिकल की तुलना में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा आसानी से मेज़रमेंट होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इसमें आपको लिखना है दिस इज मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल मेजरमेंट रिक्वायर वेरी फास्ट रिस्पांस। तो बहुत ही फास्ट रिस्पांस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से फास्ट रीडिंग और करेक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर यूज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो इन इंस्ट्रूमेंट में सेमीकंडक्टर डिवाइस का भी यूज होता है। इसके बाद आपको लिखना है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस द ओनली मूवमेंट इन्वॉल्व्ड इज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही ये डिवाइस जो है काम करते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और इनमें आपको कैसे थ्योरी में लिखना है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर।